यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहाँ पे डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। अब एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई एक नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। क्यों? क्योंकि इस लेवल ऑफ इनकम पर हमारी जो इकोनॉमी है वो किसी भी सरप्लस और शॉर्टेज की सिचुएशन से सफ़र नहीं करती। मींस हमारी इकोनॉमी में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ना शॉर्टेज में पाया जाएगा ना सरप्लस में पाया जाएगा। इससे हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, इससे हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। नाउ हम आपको शेड्यूल की तरफ ले चलते हैं। ये जो शेड्यूल है ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ उसके बारे में कि कैसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करते हैं। 400 लेवल ऑफ इनकम पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई है। मींस हमारी जो 400 लेवल ऑफ इनकम है उस पर हमारी ADB 400 है और ASB 400 है। अब बात करते हैं कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है किसी एग्रीगेट सप्लाई से, उस कंडीशन में क्या होता है। अब हमारी डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा है किसी एग्रीगेट सप्लाई से। मींस हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है, हमारी जो सप्लाई है वो कम है, तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करते हैं कि आप और प्रोडक्शन कीजिए और तब तक कीजिए जब तक एग्रीगेट सप्लाई बढ़कर किसके बराबर नहीं हो जाती, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं हो जाती। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव नहीं हो जाती, जब तक AD बराबर AS नहीं हो जाता। अब इसी के अपोजिट सिचुएशन, जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है किससे, एग्रीगेट डिमांड से, तो उस कंडीशन में क्या होता है। उस कंडीशन में यह होता है कि सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा है किससे, डिमांड से, तो हमारे प्रोड्यूसर्स का जो स्टॉक है वो बिक नहीं पाता और वो अनसोल्ड स्टॉक बढ़ता जाता है, उनका स्टॉक ओवर स्टॉक होता जाता है, जिसके चलते वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, वो अपना प्रोडक्शन रोक देते हैं, कट कर देते हैं, और वो अपना प्रोडक्शन तब तक कट करते हैं जब तक हमारी एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर नहीं आ जाती, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाती। तो एक इक्विलिब्रियम के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को तब तक कट करेंगे जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर नहीं आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं आ जाएगी। तो बच्चों दो कंडीशन बनती है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरी होती है एग्रीगेट सप्लाई जब ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से, इस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बच्चों अगर आपको यह मेरे टॉपिक्स पसंद आए पढ़ाए हुए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस